नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सबसे लास्ट में पहुंच चुके हैं। वो क्या है कि स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट है, ठीक है। और हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन जो पढ़े थे उसमें केवल एक ही एग्जांपल हम लोग हल किए थे। मैं चाह रहा हूं कि एक एग्जांपल और आपके सामने दूं और उसके बाद से तब आपको ये बता दूं क्वेश्चन, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में टॉम कुन शुड, लिखा है टॉम कुन शुड, इसका कोड दिया गया है डॉग्स आर बार्किंग बार्किंग, लिखा है कुम जो मोप, कुम जो मोप डॉग्स डॉग्स एंड हॉर्सेज मुट टॉम को, का अर्थ है डंकीज आर मैड, ठीक है। तब आपसे पूछा है बार्किंग के लिए, बस केवल एक ही क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, संजोग ठीक है। अब चूंकि अब जो बैंक से क्वेश्चन था, लेकिन अब बैंक से करके इसको एसएससी में या अगर जो यूपी टीईटी है टीईटी के पेपर में भी अब क्या कर रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन को सेट करना शुरू कर दिया है और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सबसे पहली बात है कि आप ऑलरेडी जानते, देखिए अभी यही नहीं, रीजनिंग चूंकि लॉकडाउन में अब चूंकि आप लोग की मिनिमम जरूरत पूरा हो तो उसके लिए वीडियो बन रहे हैं। वीडियो की क्वालिटी आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग क्लास में चाहे स्टूडियो में वीडियो शूट कर दें तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन लिखने की बात ही नहीं रहती। लेकिन तब भी हम लोग का प्रयास है कि आपकी कोई भी चीज़ ऐसा ना रहे कि पढ़ने से आप वंचित रहें, ठीक है। अब इसको ही करना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। और एक चीज़ और है, इनके अर्थ से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है क्या नहीं है इससे कोई मतलब, जैसे नहीं कहा जाता है कि नामों में क्या रखा है, काम होना चाहिए 100%, नाम में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ आप जानते हैं कि इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप देखिए इन दोनों में कॉमन को देखेंगे तो यहाँ पे कुम दिया है, कुम को हम काट लेते हैं एक लाइन से। इन दोनों में कॉमन क्या दिया है, डॉग्स है, तो डॉग्स को हम कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन को देखेंगे तो देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे टॉम है, तो टॉम का कोड अगर यहाँ से लेंगे तो यहाँ से देखिए आर मिल रहा है, तो आर का कोड ये हो गया। अब रही कि आपको पूछा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बार्किंग बार्किंग का कोड आपको निकालनी है। अब कोई कॉमन तो है नहीं, कॉमन नहीं है तो आप जो कहते हो उसी तरह छोड़ दीजिए। बार्किंग आपका यहाँ पे है, बार्किंग यहाँ पे है ना, तो देखिए यहाँ पर दो कट गए हैं ना, सिंगल लाइन का कोड क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा, और डबल लाइंस का कोड क्या हो जाएगा, टॉम हो जाएगा, और जो बचा हुआ है क्या बचा हुआ है, शुड बचा हुआ है। अब शुड का कोड क्या होगा, बार्किंग होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं इसी तरह अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बार्किंग का कोड क्या हो जाएगा जी, शुड हो जाएगा, यही आपको आंसर देना है। मान लीजिए मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, अगर एंड का कोड आपसे पूछ देता, मान लीजिए कि एंड का कोड आपसे पूछ रहा है, तो एंड का कोड आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए दो दो जो वर्ड हैं, दो वर्ड यहाँ बचे हुए हैं और यहाँ पर भी दो वर्ड बचे हुए हैं, तो आप किसी तरह एक तरह से क्लियर नहीं कर सकते कि हमारा एंड का कोड यही होगा, नहीं। जब दो दो बच जाए तो सीधी सी बात है कि एंड का कोड जब भी निकालना होगा इन दोनों को ऑब्लिक में करके लिखेंगे, या तो जो होगा या मॉप होगा, ठीक है ना।
अब मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि नहीं हॉर्स का कोड बताइए, तो हॉर्स के लिए भी यही बात है, हॉर्सेज के लिए भी यही बात है, या तो इसकी कोड कोड या मॉप हो जाएगा, और या तो कोड क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा। मतलब कि दो लेटर दो वर्ड बचे हुए हैं, यहां पर भी दो हैं, तो आप आबलिक में करके कर लेंगे, ऐसा नहीं कि सिंगल के रूप में आप कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर समझ में अगर आ गया हो तब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आसानी से लगा देंगे। रीजनिंग में यहीं तक नहीं है, आप लोगों को तो मैं ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं हूँ, नहीं तो रीजनिंग का मतलब कि 90% क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर लगा देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि रीजनिंग में यूट्यूब के लिए यूट्यूब पर वीडियो लोग बनाते हैं, तो काउंटिंग ऑफ ट्रेंगल लोग पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो फिगर वो लोग बताते हैं, जो वीडियो में जो टीचर बताता रहता है फिगर, वो फिगर कतई किसी एग्जाम में नहीं पूछता। अब इसी से समझ लीजिए कि जो फिगर, जैसे ये फिगर बड़ा प्रचलित है कि इस तरह के फिगर को क्या करते हैं, तीन चार टाइप का, ऐसा नहीं कि मैं इश्यू कर रहा हूँ, तीन चार टाइप के ऐसे ऐसे फिगर हैं, अब इसको क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, और ऐसे भी फिगर बनते हैं, आप लोग देखे होंगे। आप लोग आसानी से इस तरह भी देखे होंगे लेकिन अगर पेपर उठा के आप देख लीजिएगा, ये जो फिगर टीचर पढ़ा के तो आसानी से निकल जाता है, और बच्चों को लगता है कि नहीं टीचर पढ़ा दिया है तो बस रामबाण है, लेकिन ये कभी मेरे दोस्त पूछता ही नहीं है। और आप क्या करते हैं कि जो पढ़ाता है टीचर वो पूछता नहीं है, और जो नहीं पढ़ाता है वही वो एग्जाम में पूछता है। तो इसलिए आपको मैं सावधान कर रहा हूँ, सावधानी से रहिए, जब मैं आपको काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाऊंगा तब आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए, किसी भी सेट से लगाइए, कहीं से भी लगाइए, उसमें कोई दिक्कत, काउंटिंग ऑफ फिगर ही क्यों, बहुत सारे क्वेश्चन है, लॉजिकल सेक्शन होते हैं, लॉजिकल सेक्शन में बहुत सारे टीचर ऐसे ही फेल कर जाते हैं कि लॉजिकल सेक्शन वो बता ही नहीं पाते हैं, लेकिन लॉजिकल सेक्शन में 100% सारे क्वेश्चन मुझे कराने हैं। ब्लड रिलेशन की बात है, ब्लड रिलेशन में आप लोग परेशान रहते हैं, मैं इस टू लाइन अप्रोच से ही ब्लड रिलेशन पूरा बता देता हूँ, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। तो अभी क्या है कि वीडियो तो थोड़ा लेट या जल्दी से गया, लेकिन क्या है कि इन सारे सेक्शन को मैं पढ़ाऊंगा, इन सारे सेक्शन में आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और रीजनिंग में, अगर रीजनिंग में मान लीजिए टीटी में अगर 10 या 5 ही क्वेश्चन हो, चाहे 10 क्वेश्चन हो, जो भी हो, मतलब कि आप 10ों के 10ों करेंगे और सारे बच्चे करेंगे, चाहे टीटी के लिए स्पेशल नहीं है, एसएससी में हो, बैंक में हो, रेलवे की तैयारी करने वाले हो, चाहे किसी भी सेक्शन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, आसानी से रीजनिंग। अभी अल्फाबेट है, अल्फाबेट में लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे नियम बताते हैं, हम आपको नियम नहीं बताएंगे, हम 4 ही नियम बताएंगे और वहीं पर सारे के सारे अल्फाबेट लग जाएंगे, बस केवल 4 नियम। और आपको लगता होगा कि नहीं टीचर क्या करता है कि बहुत, और एक चीज ये होता है कि आप लोग देखे होंगे कि इस तरह अल्फाबेटिकल सीरीज देता है, जैसे ए बी सी डी इस तरह करके आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह के क्वेश्चन जब बताए जाते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जब पढ़ाते हैं तो या तो उन लोगों का तरीका ऐसा होता है कि या तो इसे डिवाइड कर लीजिए, और दूसरा चीज बच्चे क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन देख देख के क्वेश्चन को लगाते रहते हैं, और जब कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बताऊंगा 10 सेकंड के अंदर आंसर, 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर मैं दिलवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग आसानी से पढ़िए, और मैं लास्ट टाइप वाला इसको मैं थोड़ा चर्चा कर लूँ, बस थोड़ा सा है क्वेश्चन, ज़्यादा कोई लंबा है नहीं, तो इस पर हम लोग आते हैं चर्चा करने हैं, और आपको घबराने की बात नहीं है। जैसे स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या होगा, अब इसको देखना जरूरी है। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है तो क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगता है कि कहानी की तरह क्वेश्चन जा रहा है, और कभी कभी नहीं जानते हैं तो बहुत, मतलब कि समझिए कि बहुत छोटा क्वेश्चन ब्लंडर हो जाता है,
और एक नंबर आपके आंखों से सामने से आसानी से क्या हो जाता है, गलती हो जाता है और आप उसकी बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पढ़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से बस देख सुनिए, सुनने के बाद से आप खुद ही आंसर निकाल देंगे, हमें कोई ज़्यादा उसमें परेशान होने की चाहे करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन कहता है, सुने सभी लोग, यदि लाल को पीला कहा जाए, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लाल को क्या कह दें, पीला कह दें, ठीक है, अब पुनः पीला को कहेगा, ये सिस्टम होता है। इसमें देखिए पीले को नीला कह दिया, पीले को नीला, फिर से नीला को ही कुछ कहेगा, देखिए क्वेश्चन में नीले को उजला कह दिया, उजला, नीले को उजला कह दिया, फिर से उजले को, उजले को, उजले को हरा कह दिया, और हरा को गुलाबी, गुलाबी, गुलाबी को बैगनी, बैगनी कहा जाए। देखिए सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं कि मतलब क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, देखिए आप किसी सांकेतिक भाषा में लाल को पीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, नीला को उजला कहा जाए, उजला को हरा कहा जाए, हरा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को बैगनी कहा जाए, तब ये लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछता है। पहले इसमें ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कभी भी आपको बाएं से दाएं कोडिंग के रूप में लेना है, कभी भूल के भी दाएं से बाएं कोडिंग नहीं लेंगे। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अगर कह दिया जाए पीला को क्या कहेंगे, मान लीजिए पीला आता है तो आप ऐसा नहीं कि इधर का कोड इधर लिख लेंगे, नहीं, पीला को इधर का कोड ये लेंगे। तो इसमें कहा जाता है कि फॉरवर्ड आप चलेंगे, कभी भी रिवर्स नहीं आएंगे। और इस क्वेश्चन का लगाने का तरीका है, ऊपर से कभी इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा जाता, पहले जो पूछा गया उसी को पढ़ लीजिए। जैसे इसमें पूछा गया है, पूछा गया है तो आकाश का रंग क्या होगा, तो आप लोग आकाश का रंग जब निकालना होगा तो देखिए पहले रियलिटी में जाइए, आकाश का रंग कैसा होता है, तो बहुत सिंपल है, सारे लोग जानते हैं, नीला कह देंगे। अब रियलिटी में जाके पहले वहां देखना है तो आकाश का रंग क्या हो जाएगा, नीला, तो आकाश का रंग नीला हो गया। अब नीला को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए नीला, देखिए इधर भी है, कुछ लोग गलती करेंगे, नहीं इधर से इधर नहीं जाना है, आपको इधर से इधर आना है, तो नीला को क्या कहेंगे, उजला। तो इसका मतलब आकाश का यहाँ पर कोडिंग भाषा में क्या कह देंगे, उजला, जबकि आकाश का रियलिटी में क्या होता है, नीला। पहले आप रियलिटी में जाएंगे और रियलिटी से पुनः क्या करेंगे, रिवर्स होके लौट आएंगे। देखिए यही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट इधर भी है, स्टेटमेंट इधर भी है। तो यहाँ पे क्या है कि बस केवल क्या करना है, जब भी आप कंपटीशन में बैठे हैं तो क्वेश्चन के नीचे क्या पूछा है, पहले उसमें रियलिटी में चले जाए और क्वेश्चन में देख लेंगे उसका क्या। जैसे मान लीजिए आकाश का रंग पूछा था, आकाश का रंग नीला हमारे दिमाग में आया, आप नीला को देख लेंगे क्या कहा गया, नीला को उजला कर देंगे तो सीधे उजला ऑप्शन कर देंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, मैं सीधे तौर पर लिख रहा बोल रहा हूँ, इस पर मैं लिख के नहीं सॉल्व कराऊंगा। जैसे चमकीले को अंधेरा, अंधेरे को हरा, हरे को नीला, नीले को लाल, लाल को सफेद, सफेद को पीला कहा जाए तो खून का रंग क्या होगा, खून का रंग क्या होता है, सारे लोग जानते हैं लाल होता है रियलिटी में। अब लाल को ढूंढिए कि क्या कहा गया है, तो इस क्वेश्चन में आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे जानते हैं कि लाल को क्या कहा गया है, सफेद कहा गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खून का रंग क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, सीधे आंसर। या नीचे जैसे अगला क्वेश्चन है लिखा गया है, इसमें बताना है आकाश का रंग कैसा होगा, तो आकाश का रंग हम लोग क्या जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं कैसा होता है, नीला होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था नीले को आपको ढूंढ के कर देना है कि नीला को देखिए इसमें हरा का है, हरा आंसर सीधे दे दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप लोग जितने भी वीडियो आप लोग लोड हुआ है लिब्रस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं, चाहे वीडियो में कोई क्वेश्चन ऐसा रहा है कि जो आपको नहीं समझ में आया, तो इसको आप लोग को बेहिचक पूछना चाहिए, चाहे क्वेश्चन क्वेरी करना चाहिए कि भाई हमको ये नहीं समझ में आया, आप मुझे बताएं पुनः, तो पुनः हम वीडियो बना के हम डाल देंगे। लेकिन रीजनिंग में केवल यही नहीं है,
आपको मैं बता रहा हूँ, शुरू में तो वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हुई, अभी भी आपकी वीडियो कैसे हो रहे हैं इसकी तो मैं गारंटी उतना नहीं लेता हूँ, लेकिन प्रयास तो हरदम मैं कर रहा हूँ कि अच्छी वीडियो अच्छी कंटेंट के साथ आपके पास पहुँच जाए। तो देखिए अब इसके बाद से क्या है कि आपको मैं पढ़ाऊंगा जो आपको जिस क्वेश्चन को आप लोग, होता क्या है कि आप करने तो जाते हैं लेकिन कभी कभी ये भी आपने बढ़िया से एहसास किया होगा कि क्वेश्चन तो आप करने के लिए चलते हैं करने के लिए जाते हैं लेकिन आप क्या होता है कि समय खर्च करने के बाद भी नहीं लगा पाते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, नहीं जब लगता है तो सीधे क्या करते हैं, तुक्का मार के निकल आते हैं। तो तुक्का मारना कंपटीशन में कहीं से भी कोई समस्या का समाधान कतई नहीं है। आप रीजनिंग ऐसा, जैसे आप लोग पढ़ते हैं गोरखपुर के बच्चे आप जैसे भी उसको रिएक्ट करते हैं, लेकिन पटना या इलाहाबाद में बच्चे रीजनिंग को जानते हैं बोनस कांड, मतलब कि कंपटीशन में एक तरह समझिए कि आपको बोनस मिल चुका है। तो रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन हो, मोस्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको करना चाहिए। 50 नंबर का रीजनिंग आता है तो 50 में क्या है कि 50ों क्वेश्चन सही होने चाहिए, होता भी है। ठीक है, तो ठीक है आगे के चैप्टर, ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपको घड़ी पढ़ा दिया था, अब इसमें कैलेंडर है, कैलेंडर बहुत लोगों का डिमांड है, कैलेंडर भी पढ़ाए जा सकते हैं। रीजनिंग का सारे चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, आप लोग बस कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहें। ठीक है, अगला वीडियो हम समय से देंगे। ठीक है, ओके।